हमने ये पतली पतली पीओपी बिछा दी है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है आशु और आप सब देख रहे हैं वुडक्राफ्ट ओलंपियड। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ, ये दुकान है गोर सिटी मॉल के अंदर, जिसमें हम टू स्टोरेज दुकान बनाने वाले हैं। और इसकी हाइट अभी 14 फिट है, उसमें 7 फिट नीचे और 7 फिट ऊपर हमें दुकान बनानी है। और उसमें वेल्डिंग वर्क का काम होना है और टाइल पहले लग चुकी है, तो अब वेल्डिंग वर्क करेंगे तो टाइल खराब ना हो। उसके लिए हमें सेफ्टी पर्पज के लिए अपने फ्लोरिंग पे क्या काम किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए वुडक्राफ्ट ऑल इंटीरियर को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये शॉप है गोल सिटी मॉल के अंदर, जो कि 14 फुट गहरी है और 8 फिट चौड़ी है। इसमें हमें शॉप बनानी है, ऑफिस बनाना है, जो कि ये 2 स्टोरी ऑफिस बनाना है। इस साइड से, इधर से, ये लेफ्ट हैंड से हमें यहाँ से ऐसे जीना चढ़ाना है ऊपर, और ये ऊपर पूरा ऑफिस रहेगा, नीचे भी पूरा ऑफिस रहेगा। ये इस साइड से टिफिन ग्लास लगा के यहाँ से इसमें टंकी लगा देंगे। तो अभी हमें इसमें वेल्डिंग वर्क करना है, आधा इसमें टाइल का काम छोड़ दिया। इसके सेफ्टी पर्पज के लिए ये मार्केट से प्लास्टिक आती है, पतली वाली प्लास्टिक 70 रुपये मीटर के हिसाब से, ये इस पर हमने बिछाई है। और ऊपर से ही इसके ऊपर पीओपी डाल देंगे, ताकि वेल्डिंग के जितने भी डार्क डॉट्स वगैरह टाइल्स वगैरह आ जाते हैं वो सब इसमें नहीं आएंगे। वो ये आप सब देख रहे हैं, इसके हमने ये पतली पतली पीओपी बिछा दी है, जो कि 2 घंटे में सूख जाएगी आसानी से। और जब हमारा काम स्टॉप से पूरा हो जाएगा वेल्डिंग वर्क का, तो ये हम निकाल देंगे, जो पिन्नी नीचे लगी होने की वजह से आसानी से निकल जाएगा। और ये डोर मोल के अंदर ये देखिए, ये ऊपर फायरिंग का पाइप है, और ऊपर अपना स्मोकर लगा हुआ है, ये भी अड़ेगा, इसको भी हमें ठीक कराना पड़ेगा। और ऊपर में इनका यहाँ पे एसी लग जाएगा, इस साइड में यहाँ पे एसी का एसी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एसी है, कोई कॉमन एसी यहाँ पे है लगी हुई है। इस साइड में अपना एसी लग जाएगा, उसमें ब्लोअर होता है और वो डक्ट बन के नीचे हमारा सीलिंग में लटक जाएगा। वो सब मैं आपको आगे सब चल के दिखाऊंगा। फिलहाल ये मैंने आपको पीओपी किस तरीके से टाइल पे डाले, ताकि टाइल भी ज़्यादा खराब ना हो और पीओपी उसके बाद में आसानी से निकल जाए, उसके लिए छोटी सी वीडियो बनाइए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपका कोई भी क्वेरी अगर हो तो आप कमेंट करके उसमें डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। सब तक के लिए गुड बाय।